सा बढ़िया स्टॉक भी बताइए बाप, दीवाने खास साहब की पिक्स बताइए बाप, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है शॉप करने चाहिए अगर करेक्शन और गहराता है यहाँ से, तो एब्सोल्युटली आई थिंक बाय ऑन डिप्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो है, और सेल ऑन रैलीज, दोनों साइड का मार्केट हम आपको मतलब देख रहे हैं, दोनों साइड का मौके आपको मिल रहे हैं। अगर नीचे की साइड में गिरावट में लेने की कोई बात करें तो एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है बट पोटेंशियल या बिजनेस जिस सेगमेंट में वो बहुत बड़ा बिजनेस है वो है इंश्योरेंस। और ये मैं देख रहा था वीकेंड पे जब स्टडी कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक वो उसमें डेटा मिला कि रेलिगर एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी तो रेलिगर एंटरप्राइज है, जब शुरुआत हुई थी तब इसमें दो तीन अलग अलग बिजनेसेस थे, एनबीएफसी था, ब्रोकिंग था और हेल्थ इंश्योरेंस था। अब बाकी के एनबीएफसी तो ऑफकोर्स बंद हो गया, जो प्रमोटर्स के इश्यू आए, प्रमोटर्स का हिस्सेदारी कंप्लीटली इसमें से निकल गई जो पुराने प्रमोटर्स थे उसमें, और कुछ प्रमोटर हिस्सेदारी जो कन्वर्ट हुई थी, डेट जो कन्वर्ट हुआ था वो बैंकों के पास था, एक्सिस के पास था, यूनियन बैंक के पास था, तो ये सब जो थे उसमें से भी काफी खुलासा काफी चीजों का जिस हिसाब से आया और सुलह हुई है। एक्सिस का भी जो हिस्सेदारी थी वो पूरी है, केदारा कैपिटल करके बहुत बड़ा फंड है उसने ली, डेट फ्री इसको बनाने की पूरी जो गुंजाइश थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई है। सो आई थिंक नाउ दे आर एट अ स्टेज जहां पे 2000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, लेकिन अभी जो वैल्यूएशन हुए जो इंश्योरेंस बिजनेस के मेरे ख्याल से 3200 करोड़ के ऊपर हुए हैं। अब 3200 करोड़ में से अगर आप इस कंपनी का हिस्सा देखें, ओनरशिप देखें, तो 75% है इंश्योरेंस कारोबार में। अगर वो मान लीजिए अगर वो 2500 करोड़ भी आपको मिलता है हिस्सेदारी की वैल्यूएशन से, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगाते हैं, आप 2000 करोड़ की भी वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन आज आपको ये कंपनी 1000 करोड़ में मिल रही है। तो जो सेटअप है और जो ओनरशिप आई है, जो नाम आए हैं, जिस टाइप का सपोर्ट इसको मिल रहा है, आई थिंक, और हेल्थ इंश्योरेंस में नंबर 4 है आज की तारीख में, नया नाम आ गया, नई आइडेंटिटी आ गई, तो आईपीओ जैसे जैसे, और आईपीओ का सीजन भी थोड़ा सा गर्मी दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर टाइम से आईपीओ आ जाता है, इनका अनाउंस हो जाता है, ऑफकोर्स टाइम लगेगा इसको, बट आई थिंक इट कैन बी अ बिग टर्न अराउंड स्टोरी एट दीज लेवल्स। मैं देख रहा हूँ एजीएम में टाटा सन्स की तरफ से ये निकल कर आया, चंद्रा साहब की तरफ से ये निकल कर आया कि भाई वो इस कंपनी को डेट फ्री करना चाहते हैं, और हाल ही में टाटा मोटर के डीवीआर में जिस तरह से टाटा सन्स ने शेयर खरीदे, अब सब लोग इसके ऊपर धीरे धीरे करके बुलिश होते जा रहे हैं। आज की छोड़ दीजिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, ये बताइए ये स्टॉक क्या बायोन डिप्स वाला लगता है आपको? नहीं, मैंने वही कहा था कि ये जिस प्रकार की इसमें मोमेंटम की चाल हमने देखी है वो डीवीआर में, वो एक कन्विक्शन बढ़ाती है कि भाई इस लेवल पे भी हिस्सेदारी लेने की जो तैयारी मैनेजमेंट ने की है, प्रमोटर्स ने की। लेकिन याद रखिए वो आर्बिट्राज बहुत ज्यादा था, जो डिस्काउंट था डीवीआर और अंडरलाइन का वो इतना ज्यादा होने की वजह से वहां अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और उनकी वोटिंग राइट्स को कोई आंच आनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो ओनरशिप जो बनी हुई है वो तो है ही है। इंटरेस्टिंगली जो बिजनेस मॉडल है इसका, जिसके ऊपर आज ये रिपोर्ट में जो सुमित ने बताया उसमें चर्चा हुई है, वो इसलिए पॉजिटिव हो सकती है कि जो डेट रिडक्शन की बात की है वो कैसे, उसका जरिया क्या रहेगा, टाइमलाइंस क्या रहेगी, वो थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आ गई है और डिफाइन हुई है। और पिछले वीकेंड पे इनके जो गुंतर बिश्केक जो MD है इंडिया बिजनेस, उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोग ये सब चीजें जो कर रहे हैं ये एक प्लान जो बनाया उसके हिसाब से कर रहे हैं, और यही कारण की वजह से वो अंडररेटेड था या अंडरवैल्यूड था। बट याद रखिए इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वो ग्लोबल रिकवरी का रहेगा, इसमें डोमेस्टिक रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो स्क्रैपेज पॉलिसी हो या नॉर्मलाइजेशन हो, अनलॉक 5 हो, ये कंपनी ग्लोबल क्यूज पे ही चलेगी, और वो ग्लोबल क्यूज अभी कोई मौका आपको ऐसा नहीं दिखा रहे कि बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, यूरोप में, यूएस में अभी भी चिंताएं कोविड को लेके जो है, तो आई वुड बिलीव इसको आपको मौका नीचे के लेवल से मिलेगा इवन। बट यस, अब जो पहले हमने सोचा था कि कंपनी बंद हो रही है, डूब रही है, एकदम डब्बा हो जाएगी, वो माहौल एकदम से चेंज हो गया। सो आई थिंक देयर इज रिकवरी, और ये लास्ट टाटा कंपनी है जिसमें रिकवरी की जरूरत है। हर जगह हमने देखा हो गया, चाहे वो कंज्यूमर वाले साइड हो, केमिकल साइड हो, IT साइड हो, एवरीवेयर दे हैव डन दिस रिपेयर ऑफ द बैलेंस शीट, यहां भी वो होगा, और संजोग बहुत पॉजिटिव है। लेकिन बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल बन जाएगा। मैंने कहा कि इस स्टॉक को ले लीजिए, पैसा बनेगा। टाटा एलेक्सी पर अभी भी आप बुलिश हैं?
एब्सोल्युटली मुझे याद है वीरेंद्र ने छेड़ा था आईटी में मिड कैप कोई अच्छा आईटी बिरला सॉफ्ट के अलावा कौन सा आपको लग रहा है, और तब ये उस सूची में आ गया था। मैंने एलएनटी इन्फोटेक और टाटा एलेक्सी की बात की, तो जो जो आशीष समझा रहे, देखिए टाटा एलेक्सी का बिजनेस मॉडल जो है वो सबसे जिसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड है। ये एक चीज सिर्फ डिजिटल या आईटी या इस टाइप का कुछ काम करती हो तो समझ आती है कि बाकी सबके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपनी के इतने सारे बिजनेसेस हैं, एआई को लेके, आईओटी को लेके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, रोबोटाइजेशन को लेके, तो इसमें जो क्षमता है और ये खास करके जो अब कल्चर आ रहा है, जो कॉन्टैक्टलेस काम होने जा रहा है, उसमें इतनी ज्यादा एक्टिविटी या ऑर्डर बुक आने की गुंजाइश है। अहमद आप देखिए आज कोई भी स्टोर में जाए, आप मैकडॉनल्ड में भी जाए, तो आपको पैसे कैश ना लेते हैं ना वो कार्ड लेते हैं, वो आपको ऐप पे सारा कुछ करने को बोलते हैं कि आप पहले ऑर्डर करिए, आपको हमसे यहां से सिर्फ डिलीवर कर देंगे, पेमेंट भी आपने डायरेक्टली कर दी। तो जितना ये डिजिटाइजेशन और कॉन्टैक्टलेस का काम होता जाएगा उस हिसाब से हो रहा है। बहुत जल्दी ड्रोन डिलीवरीज इंडिया में भी शुरू होने की गुंजाइश है, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, उसमें जो जीपीएस बेस्ड जो डिलीवरी सिस्टम बनाने की, मतलब बहुत है। मैंने इसके ऊपर तो आप चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत होगा, और हमारे आशीष वर्मा जी को कभी वो गुजारिश करेंगे कि इसको नो योर कंपनी में लाएं, तो समझ आएगी लोगों को कि इसमें डेप्थ कितनी है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस, थोड़ा अंडर वैल्यूड था, अब वो थोड़ी रिकवरी आ रही है धीरे धीरे करके, उसकी भी जो है अच्छी अपनी जो साख बनती जाएगी और मार्केट में भी एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी। आशीष एक रिक्वेस्ट दिया, उसके बाद नंबर्स आएंगे नहीं, और ये बैक बेंचेस बड़ा दुखी कर रहे हैं। दीवान साहब इस पर, इन दोनों पर कोई राय, इन तीनों पर? आई थिंक जो रिटेल का जो मार्केट है हमारा ओवरऑल, वो उसमें जो खलबली मची है पैंटलून और रिलायंस रिटेल की डील को लेके, उसमें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, और आज ऑर्गेनाइज रिटेल सब कुछ होते हुए भी, इतना बड़ा होते हुए भी, या दिखता है जो जितना बड़ा, फिर भी 10% के करीब है। तो जो 90% है जो खुदरा व्यापार, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज है। तो स्पेंसर रिटेल में सबसे बड़ी खूबी जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इनका फॉर्मेट अटल रहा और अडिग रहा इन दिस एंटायर कॉम्पिटिशन। जो बिग बाजार ने कई एक्सपेरिमेंट ट्राई किए, चला नहीं, स्पेंसर रिटेल ने हमेशा अपना फोकस रहा, और आज भी ये जो लॉकडाउन के फेज में जो देखें अगर, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिलीवरी एंड प्रोडक्ट्स जो इनके हैं वो रहे, और इन्होंने अपना इनहाउस ब्रांड्स ये वो काफी चीजें मतलब करी है, और जो नेचर बास्केट जो आशीष बता रहे हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में माना जाता है, उसके सामने तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर वो चाहे इसको एक्सपैंड करना तो उसमें बहुत बढ़िया मार्जिन रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, और लोगों की खरीदारी में थोड़ी बहुत नरमी कमी आने की जो गुंजाइश होती है जॉब लॉसेज और ये सब को लेके, ये वाली सेगमेंट थोड़ी सी इंसुलेटेड रहती है क्योंकि ये अप मार्केट है, हायर एंड मार्केट पे केटर करती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस। राइट्स इशू का भी आपने देखा ही था रिसेंटली कितना अच्छा रिस्पांस आया। ये आंकड़े देखने के बाद मुझे कोई चिंता इसमें दिख नहीं रही, और ये रहेगा कि इसको भी अपने पोर्टफोलियो में फॉर रिटेल फोकस आप ले सकते हैं। डीमार्ट ना लेना हो, महंगा लग रहा हो, उसका मॉडल आपको थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, तो ये डेफिनेटली एक स्पेस है जिसके अंदर आप बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक बात है, मद्देनजर जो बातें कही गई हैं, और स्पेशली अगर आप देखें जो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का फैक्टर जिस पर फोकस किया गया है, उसके मद्देनजर आपकी राय और 170 की टारगेट्स आपको कितने प्रैक्टिकल लगते हैं इसमें? नहीं अवरिंदर, देखिए जो जो रैशनल इन्होंने ढूंढा है, जो तर्क इन्होंने बताया है, वो उससे मैं वो हूं, सहमत हूं। उसका रीजन है कि जो सेगमेंट है ये जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला, जो जो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें देखिए तो इसका बहुत बढ़िया ब्रांड प्रेजेंस रहा है, और ये कोविड के टाइम भी अगर आप देखें तो जो स्लो डाउन रहा बाकी की जो प्रोसीजर्स प्लान प्रोसीजर्स का, वो सभी हॉस्पिटल्स को उतनी ही आंच उसमें आई है। अब जैसे जैसे अनलॉक होगा, हम भूल जाते हैं कि अनलॉक के बाद ये नॉर्मलाइजेशन इसका भी होगा, और जो लोगों की प्लान सर्जरीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी एक नॉर्मल उस पर कैपेसिटी पे बढ़ना शुरू होंगे। एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसमें जो IHH मलेशिया ने जो हिस्सेदारी ली थी और जो इश्यूज रहे हैं, वो पूरी तरह से सुलझाने में थोड़ा सा समय और लग सकता है, और उस समय की वजह से मार्केट अगर वहां कहीं डगमगाता है तो आपको ये नीचे के बैंड पे भी मिलेगा। मेरे ख्याल से ये 110-105 का जो इसका नीचे का बैंड रहा है, इसमें भी अगर कभी कभार आ गया तो होगा। हाँ, उसके बाद लॉन्ग टर्म बेसिस में 2 साल में 170 जाता है, तो आपको 30-35% सालाना रिटर्न देता है, वो गुंजाइश इसमें जरूर रहेगी, लेकिन
नीचे के लेवल्स पे बाई करने की वो रहेगी, क्योंकि सप्लाई बहुत आ जाएगी जैसे जैसे, हर 2-5 रुपए जैसे ही बढ़ेगा, आपके काफी लोग इसमें फंसे हुए हैं, उम्मीद पे लेके बैठे हुए हैं ऊंचाइयों से, वो निकलने की चेष्टा करेंगे और कोई और स्टॉक में जाएंगे जो उनको समझ आ रहा है, और इससे डिसअपॉइंटमेंट से निकलने की जब कोशिश रहेगी, तो थोड़ी सेलिंग जल्दी इसमें आने की उम्मीद है एट एवरी लेवल, अदरवाइज फंडामेंटली इट इज अ टर्न अराउंड स्टोरी। बात है, तो देखिए टर्न अराउंड